हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैक्सिमम नॉलेज पर। बड़ी खबर लेके आया हूँ मैं आपके लिए। गांव में रह रहे छात्रों के लिए स्पेशल क्लास, जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा है उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने तैयार किए को क्रेश कोर्स। 28 अगस्त से टीवी पर होगा प्रसारण। अब 28 अगस्त, 28 अगस्त से आपको जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा है उनके लिए यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने तैयार किए हैं क्रेश कोर्स। वो 28 अगस्त से टीवी पर उसका प्रसारण होगा। सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। स्वयं प्रभा के 32 DTH चैनलों पर होगा प्रसारण। स्वयं प्रभा के 32 DTH चैनलों पर होगा प्रसारण। फैकल्टीज ने कुल 300 घंटे के स्पेशल लेक्चर तैयार किए हैं। लॉकडाउन के दौरान देश भर में कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ऑनलाइन क्लासेस के लिए जरिए सिलेबस पूरा किया गया, लेकिन इस बीच कई स्टूडेंट ऐसे थे जो सुंदर क्षेत्रों में रहते हुए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए संसाधन जुटाने में असमर्थ थे। यह वजह थी कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे। देश भर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मेंबर्स ने मिलकर इन स्टूडेंट के लिए एजुकेशन कंटेंट तैयार किया। ये कंटेंट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट स्वयं प्रभा के जरिए प्रसारित किया जाएगा। 28 अगस्त से प्रसारण होगा। बड़ी खबर निकल कर आई है। जिस भी स्टूडेंट को परेशानी आ रही थी ऑनलाइन पढ़ने में, उसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने कोर्स लॉन्च किया है। 300 घंटे के लेक्चर रिकॉर्डेड है। IIT मदरसा को इस कैंपन का दावा कोऑर्डिनेटर बनाया गया। संस्था का दावा है कि 28 अगस्त से फैकल्टी द्वारा तैयार किए गए लेक्चर्स का प्रसारण शुरू हो जाएगा। यह लेक्चर खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में रहे स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए। ग्रामीण इलाकों में जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनके वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम, कई इश्यूज रहते हैं, तो उसको फेस करते हुए ये लेक्चर तैयार किए गए। 40 घंटे के लेक्चर को 10 घंटे का बनाया गया है, जिससे जल्दी सीख सके छात्र। छात्रों को पास अप सिलेबस, छात्र के पास सिलेबस पूरा करने के लिए समय कम है। ऐसे में 40 से 50 घंटे के लेक्चर को कम करके 10 से 15 घंटे का बनाया गया है, जिससे छात्र जल्दी सीख सके और कम समय में जल्दी सिलेबस कवर कर सके। 32 DTH चैनलों पर होगा प्रसारण। केंद्र सरकार स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट में 32 DTH चैनल शामिल है। इनमें GSAT 15 सैटेलाइट के जरिए 24 घंटे एजुकेशन से जुड़े प्रोग्राम ही प्रसारित किए जाएंगे। बड़ी खबर, 24 घंटे एजुकेशन से जुड़े प्रोग्राम ही प्रसारित किए जाएंगे। एक प्रोग्राम दिन में कई बार रिपीट भी होता है, जिससे स्टूडेंट अपनी सुविधा अनुसार लेक्चर अटेंड कर सकेंगे। एक प्रोग्राम दिन में कई बार आपको टीवी पर रिपीट भी होता रहेगा, जिससे स्टूडेंट अपनी सुविधा अनुसार, समय अनुसार जब भी मिले उस लेक्चर को अटेंड कर सकेंगे। तो यही जानकारी थी। जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट के साथ ये खबर पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।